हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम सीरियल एडर के बारे में पढ़ेंगे। तो सीरियल एडर होता क्या है और पैरेलल एडर से सीरियल एडर क्या डिफरेंस होते हैं उसे हम देखते हैं आज के वीडियो लेक्चर में। तो पैरेलल एडर कॉम्बिनेशन में कई एडर की आवश्यकता होती है जो आपस में कनेक्ट करने से एक कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाती है, और इस कॉम्बिनेशनल सर्किट की जो कॉस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि एक से ज़्यादा हमें एडर की आवश्यकता होती है। और यदि गति को ना लिया जाए या फिर हमें फास्ट रिस्पांस की आवश्यकता नहीं है तो सीरियल एडर जो है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। सीरियल एडर में सिर्फ एक फुल एडर की आवश्यकता होती है, इसलिए सीरियल एडर पैरेलल एडर की तुलना में काफ़ी चीपेस्ट होता है कॉस्ट के अकॉर्डिंग। और सीरियल एडर में एन बिट वाले दो शिफ्ट रजिस्टर की आवश्यकता होती है, जहां N1 सम किए जाने वाले बाइनरी संख्याओं या बाइनरी नंबर्स के बिट की संख्या के हैं। दोनों नंबर्स को दो शिफ्ट रजिस्टर में अलग अलग लोड किया जाता है और प्रत्येक प्रोसेस का समीशन N+1 बिट वाले अन्य शिफ्ट रजिस्टर में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हम एक डायग्राम देखते हैं जिसमें तीन शिफ्ट रजिस्टर दिया हुआ है और एक फुल एडर दिया हुआ है और एक फ्लिप फ्लॉप दिया हुआ है, डी फ्लिप फ्लॉप दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए तीनों ये सभी जो फुल एडर फ्लिप फ्लॉप और शिफ्ट रजिस्टर हैं आपस में एक क्लॉक पल्स से जुड़े हुए हैं, और रजिस्टर्स का जो हमें एक एक करके इनपुट किया जा रहा है फुल एडर पे, जहाँ पे एडिशन हो रहा है और कैरी जो जनरेट हो रहा है इसे हम डिले में फ्लिप फ्लॉप पर भी हम देते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से एक सीरियल एडर जो है वो कार्य करता है और यूज़ किया जाता है। तो पैरेलल एडर के कंपैरिजन में अगर सीरियल एडर देखें तो इसका जो एडिशन का जो रिस्पॉन्स है, एडिशन करने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी टाइम टेकिंग होता है एज़ कम्पेयर टू बाइनरी एडर जो काफ़ी फास्ट होता है वर्किंग में और फास्ट रिस्पांस देता है। लेकिन अगर कॉस्ट की बात करें तो बाइनरी एडर जो है हमें काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, लेकिन सीरियल एडर हमें बहुत ही चीपेस्ट रेट में हम उसे डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ तीन रजिस्टर की आवश्यकता होती है और एक फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होती है। तो दो शिफ्ट रजिस्टर जो है एक्स और वाई, उसमें हम एडिशन करने वाले बाइनरी नंबर को स्टोर करते हैं, और एक रजिस्टर होता है जिसमें हम सम जो फुल एडर का जो आउटपुट है होता है उसे हम स्टोर करते हैं। तो वो शिफ्ट रजिस्टर योग में स्टोर होता है और फाइनल रिज़ल्ट हमें इसी शिफ्ट रजिस्टर समीशन से मिलता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।